टू अनदर वीडियो, मेरा नाम है ओमकार और आज हम देखने वाले हैं एक टेस्ट फुली मॉडिफाइड पोलो जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो गाड़ी है ये बेस्ट मॉडिफाइड पोलो इन नासिक है जो कि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी तो इसके अंदर जो स्टेज टू वगैरह काफी सारी चीजें कर रखी है जो कि इस वीडियो के अंदर आगे हम देखने ही वाले हैं। बट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए अभी जल्दी से गाड़ी देखते हैं। तो ये है वो पोलो जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। अनलाइक अदर पोलोज ये जो पोलो है ये काफ़ी डिफरेंट दिखती है जैसे कि आप देख भी सकते हैं। और मॉडिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो आपको हर जगह पे जो ये मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं जैसे कि आप अलॉयज भी इसके देख सकते हैं। ब्रॉन्ज कलर के आपको यहाँ पर जो ये 70 inches के अलॉयज मिलते हैं। इसके अंदर ये जो ब्रेक्स आपको दिख रहे हैं ना ये भी काफ़ी डिफरेंट है तो ये ब्रेक जो है ये भी चेंज हो रखे हैं। इसके अंदर आपको जो ये EBC रोटर्स विथ येलो स्टफ ब्रेक पैड्स मिलते हैं यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये जो मतलब सारे मॉड्स हैं ना ये मतलब याद रखने के लिए मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ी जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर आपको सारी मॉडिफिकेशंस अभी देखने होगी तो आप देख भी सकते हैं। बाकी तो ये जो गाड़ी है ये लोअर भी कर रखी है। इसकी जो हाइट है इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा लोअर कर रखा है तो इसका जो सस्पेंशन है उसके अंदर भी एक मॉड है कोबरा लोअरिंग्स 35-40 ड्रॉप किया है इसको। और मतलब इसकी जो हाइट है वो अभी स्पोर्ट्स कार वाली फील देती है ऐसा मुझे लगता है बिकॉज मैं अभी इसके अंदर भी बैठा था। एक अलग सा फील आता है और देखने में भी मतलब काफ़ी लो लगती है जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो अलॉयज है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे टच हो रहे हैं। मतलब थोड़ा गैप है जो कि मतलब व्हील अपना टायर घूमने के लिए लगता ही है। और यहाँ पे यह है इस गाड़ी की टेल लुक। अगेन आप यहाँ पे इसके जो टेल लैम्प्स भी देख सकते हैं ये भी कम्प्लीटली मतलब कस्टमाइज है। यहाँ पे आपको जो ये ऐसे स्ट्रिप्स मिलती है जो कि अभी की मतलब काफ़ी सारी आप गाड़ियों में देखोगे जैसे कि टाइगन हो गई या मतलब अभी रिसेंट जो गाड़ी आ रही है वेन्यू के अंदर भी शायद से इसी तरह की एक स्ट्रिप आती है तो वो आपको जो इसके अंदर मिलता है। अगेन आप पीछे से इसकी नंबर प्लेट भी देख सकते हैं वो आप खुद ही पढ़ लेना। एंड एग्जस्ट भी इसका जो ये चेंज हो रखा है तो एग्जस्ट की आवाज़ आने के लिए जो काफ़ी सारे मॉड्स भी लगते हैं जो कि मतलब उसको और भी एनहेंस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये एक स्टेज टू की हुई मतलब गाड़ी है। सो इसके अंदर आपको जो है सुपर चिप स्टेज टू पॉप्स एंड बैंक्स मिलता है। वैसे इसके अंदर जो है बोरोला का मफलर लगा हुआ है एग्जस्ट के अंदर और जो इसकी पाइपिंग है मार्क एग्जस्ट की आपको जो इसके अंदर पाइपिंग देखने को मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। और आयरिडियम का जो ये स्पार्क प्लग इसके इंजन में जो है लगा हुआ है जो कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ा देता है। वैसे अगर माइलेज की बात करें ना तो आप ना ही पूछे तो अच्छा है बिकॉज ये गाड़ी जो ये हाईवे के ऊपर 5 का माइलेज देती है और सिटी के अंदर अराउंड जो ये 3.5 का माइलेज देती है। हेडलैम्प जो है पूरी कस्टमाइज है। बाकी तो इस गाड़ी के ऊपर जो पोलो जीटी का बॉडी किट भी जो है लगा रखा है जो कि आपको जो यहाँ पे दिख रहा होगा सामने की साइड में इसका जो बम्पर है वो चेंज है, पीछे के साइड का इसका जो बम्पर है वो चेंज है तो वो आपको एक इसके अंदर मॉड मिलता है बिकॉज ये एक पोलो MPI है 1 liter के पेट्रोल इंजन के साथ आती है। ये जो पोलो है ऐसी थोड़ी सी डाउन दिखती है तो उससे इसकी जो लुक्स है उस वो काफ़ी एनहेंस हो जाती है। और अगेन अगर आप इसकी साइड लुक देखें इसका जो कलर है ना स्पेसिफिक वो मुझे काफ़ी पसंद आता है तो ये थोड़ा सा डार्क ब्लू में आपको कलर देखने को मिलता है। और अगर आप इसकी हेडलैम्प्स भी देखें ना तो यहाँ पे भी जो है थोड़ी सी लिप जैसी एक चीज़ लगाई है तो आईब्रो जैसे आप इसको जो बोल सकते हैं यहाँ पे ये भी काफ़ी कमाल का दिखता है। इसकी वजह से भी ये जो हेडलैम्प्स है उसकी लुक काफ़ी एनहेंस हो जाती है। अगेन यहाँ पे साइड में जो ये आर लाइन के स्कर्टिंग्स लगा रखे हैं। पीछे के साइड में आप जो ये डिफ्यूज़र्स भी देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो ये डिफ्यूज़र्स दिख रहे होंगे 3 diffusers और बीच में एक दिया है ना वहाँ पे आपको जो लाइट्स भी देखने को मिल जाती है स्टॉप लैंप से। यहाँ पे इसका जो लोगो है आगे का और पीछे का दोनों साइड का जो ब्लैक कट आउट कर रखा है। डायरेक्टली अगर हम अंदर चले वैसे आप यहाँ पे ये पोलो जीटी क्लब की जो ये स्टिकरिंग भी देख सकते हैं। सो ये सच में जो ये पोलो जीटी क्लब के अंदर जाती है गाड़ी मतलब उसकी मेम्बर है। और इंटीरियर के अंदर अभी आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा बट जब भी मैं यहाँ पे बैठूंगा तब आपको समझेगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हर्ट्ज का यहाँ पे इसके अंदर जो साउंड सिस्टम है तो यहाँ पे आपको ट्विटर मिलता है हर्ट्ज का। और सोनी का यहाँ पे जो ये एक डिस्प्ले लगा हुआ है इन्फोटेनमेंट का। बाकी तो ये मीडिया प्लेयर है इसको मीडिया प्लेयर बोलते हैं। और जो वूफर है वो इसके अंदर जो JBL का है तो जो बेस है वो तो काफ़ी तगड़ा होने वाला है। एक बार मैं आपको जो इसकी साउंड क्वालिटी भी सुनाऊंगा साउंड भी सुनाऊंगा। और ये जो स्टेयरिंग है वो सबसे मतलब बड़ा अट्रैक्शन है इसके इंटीरियर के अंदर। तो यहाँ पे जो है फोर्स्ड कार्बन का जो यहाँ पे स्टेयरिंग लगा हुआ है इसके ऊपर। यहाँ पे जो शिफ्टर लाइट्स भी है जो कि आप ऑन करने के बाद देख सकते हैं काफ़ी कमाल की दिखती है ये भी। और रात में तो मतलब
चकाचून हो जाता है यहाँ पे, इतना कमाल का दिखता है। बाकी वैसे यहाँ पे इंटीरियर के अंदर ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है, जो सीट्स है वो नापल लेदर के डाल रखे हैं और गियर नॉब के ऊपर ये एक कैप बिठाई है। बाकी तो यहाँ पे वैसा कुछ दिखाने जैसा है नहीं। और यहाँ पे इसका जो ये रेयर साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब ना के बराबर स्पेस रहती है, तो एक बार आप वो चीज़ भी देख सकते हैं। अगर आप एक पोलो लेने की सोच रहे हैं तो फैमिली के हिसाब से मत देखें, बिकॉज पीछे के साइड में जो काफ़ी कम स्पेस रहती है। फिर से एक बार अब इसकी जो बाहर से लुक देख सकते हैं, और अभी हम इसका जो ये एग्जस्ट सुनेंगे और इसका जो मतलब साउंड अंदर का जो साउंड है वो एक बार जो है हम सुन लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर के साइड में यहाँ पे जो इसकी शिफ्ट लाइट्स आती है, और इसको एक बार जो है हम स्टार्ट करके देखते हैं। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ही ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, और बीच में आपको जो RPM और ये कुछ स्पीड वगैरह दिखेगी जो कि अभी थोड़ा सा फ्लिकर हो रहा है। एंड अगर हम साउंड क्वालिटी की बात करें ना, तो वो भी एक बार हम सुन लेते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो चीज़ है ये भी पूरी वाइब्रेट कर रही थी, और मैंने पूरा जो है मतलब फुल पे वॉल्यूम नहीं किया था, तभी भी मतलब इतना ज़्यादा बेस और इतना मतलब जो स्पीकर की जो हवा रहती है ना, उसका वो जो प्रेशर था वो यहाँ तक आ रहा था। बाकी तो एक बार मैं आपको जो इसका एग्जस्ट नोट भी सुना था कि इसका जो एग्जस्ट है वो किस तरह से साउंड करता है। तो ये है इसका एग्जस्ट। इसका पॉप्स एंड बैंक्स वाला एग्जस्ट काफ़ी कमाल का है यार। मतलब मैंने पोलो के अंदर पहली बार मेरे खुद के कानों से इतना मस्त वाला साउंड इसका मतलब एग्जस्ट का साउंड सुना है। बाकी तो मतलब काफ़ी कमाल की लगी मुझे ये गाड़ी, और बाहर तक आवाज़ आ रहा था। बेस भी काफ़ी कमाल का है इस गाड़ी का, जो साउंड सिस्टम है वो भी काफ़ी कमाल का है। सो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वाली गाड़ी पसंद आई तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपके पास कोई पोलो है तो ये ज़रूर से आपका जो इंस्पिरेशन बन सकती है, बिकॉज इसके अंदर जो काफ़ी कमाल के मॉड्स है। बाकी तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको आज का ये वाला वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली ऐसी अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।